कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपने कलर किया है, आपके बाल जो बचे हुए ब्लैक हैं वो भी सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो उनमें केमिकल होता है, उस वजह से आपके बचे हुए बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो आपको नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लाना है, तो आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर मेहंदी लगाते हैं तो आपके बाल जो हैं रेड नहीं होंगे, ब्लैक होंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा। तो आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस मेहंदी को मैंने जो घर पे ही तैयार किया, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास पानी लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ, 1 गिलास पानी लिया है, उसी के अंदर मैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से बॉयल करना है। तो फ्रेंड्स, इसे एकदम बॉईल कर लेना है ताकि हमारी जो कॉफ़ी है उसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक उबाल अच्छा ना आए तब तक आप गैस को बंद ना करें। तो अच्छे से सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँगी और इस कॉफ़ी को बॉईल करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ आंवले का पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 चम्मच आंवले का पाउडर डाल देती हूँ और अच्छे से इसे भी इसके अंदर मिक्स करना है। तो जब आप इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगी तो बहुत अच्छा नेचुरल कलर आएगा, आपके जो बालों में जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है वो भी ठीक करेगा। तो आंवला पाउडर हमारे बालों को ब्लैक करता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, इन्हें अच्छे से बॉयल कर लूँगी, अच्छे से पका लूँगी। तो उबाल अच्छा आने दें, 3 से 4 मिनट आपको आंवले के पाउडर को भी अच्छे से बॉयल करना है, उसके बाद गैस को बंद कर देना है और उसके बाद इस पानी को आपको ठंडा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब मैं इस पानी को अच्छे से ठंडा करने के बाद इसी के अंदर जो आपके बालों की लेंथ है उस हिसाब से इसके अंदर आपको मेहंदी डाल देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी डाल रही हूँ, कम से कम 3-4 चम्मच मेहंदी इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मेहंदी को मिक्स करना है इस पानी के अंदर और जो हमारी मेहंदी है वो आप जो यूज़ करते हैं, आप कोई भी मेहंदी ले सकते हैं जो आपको अपने बालों में लगाने के लिए, आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हैं, हाथों में लगाने वाली हो, आपके पास अच्छी मेहंदी है तो आप नूपुर मेहंदी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेहंदी आती है नूपुर वाली भी। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर मेहंदी को मिक्स कर दूँगी इस पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस पानी के अंदर आप मेहंदी को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद कम से कम आप इसे पूरी नाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसे पूरी नाइट छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो कम से कम 6 से 7 घंटे भी इसे रख सकते हैं। तो आप इसे सुबह उठते ही या तो बना लीजिए, 7 घंटे तक छोड़ दीजिए, अच्छे से इसे कलर आने दीजिए। तो पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद एक और काम करना है आपको। तो फ्रेंड्स, मेहंदी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको कोई भी लोहे की चीज़ लेनी है, तो आपके पास चाहे कील हो या फिर कोई भी लोहे की चीज़ हो वो इसके अंदर आप रख दीजिए। तो थोड़ी बड़ी चीज़ लेंगे, बड़ी वस्तु लेंगे तो वो क्या होगा, आपके बालों को कलर अच्छा देगी, इसमें कलर ब्लैक अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे लोहे की चीज़ लिए, इसको मेहंदी के नीचे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मेहंदी में आपको रख देना है, उसके बाद आपको अच्छा ढक्कन लगाना है जो अच्छे से आ सके। जैसे कि इस तरह का ढक्कन आपको नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ साइड से जो हवा अंदर आ रही है तो उस वजह से क्या होता है, मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आता, आप देख सकते हैं। इस तरह का ढक्कन बिल्कुल भी ना लगाएं जिससे कि जो बाहर की हवा है इसके अंदर आए और इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है मेहंदी की बनाने के बाद। तो इसके अंदर आपको ढक्कन ऐसा लेना है जो अच्छे से पूरी कढ़ाई पे आ सके। देखिए, मैं जिस तरह से ले रही हूँ इस तरह से आपको ढक्कन लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डब्बा ना हो अच्छा ढक्कन वाला, तो आप इस तरह से ढक्कन भी कढ़ाई पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा डब्बा है ढक्कन वाला तो आप उसके अंदर मेहंदी को डाल के अच्छे से ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है ढक्कन लगा देना है।
फ्रेंड्स, मैंने ढक्कन लगा के इसे पूरी नाइट छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है, और ये जो ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर आया है ये आपके बालों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस जो लोहे की वस्तु हमने इसके अंदर जो लोहे की चीज़ डाली है उसे अच्छे से बाहर निकाल लेना है, अपने हाथों से अच्छे से निकाल के, और जो ये ब्लैक कलर है उसे अच्छे से मेहंदी के अंदर मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आपको निकाल देना है और अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें अगर बनाते हैं तो आपको ये लोहे की चीज़ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक कलर आता है। अगर आप मेहंदी को इस तरह से लगाते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। अब अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आप थोड़ा सा दही भी मिक्स कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बादाम का ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा कलर आता है, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। इस तरह से अब इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। मिक्स करने के बाद जो मेहंदी का कलर आता है बहुत ही प्यारा आता है, और अपने बालों को जो है मेहंदी लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद इस मेहंदी को लगाइए। मेरे बताई हुई तरीके से अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो आपके बालों का कलर जो है सफ़ेद नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा। आपके बाल जो रेड होते हैं मेहंदी लगाने के बाद वो भी नहीं होंगे। सफ़ेद बालों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कलर लाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस मेहंदी को लगाइए, बहुत ही अच्छा कलर आएगा आपके बालों में। तो इस तरह से आप मेहंदी को बना के अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कलर है बहुत अच्छा है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।